लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज है। पहले चरण के मतदान में अब कुछ ही दिन शेष हैं। पहले चरण में यूपी वेस्ट की कई लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इन्हीं सीटों में से एक है राजधानी नई दिल्ली से सटी यूपी की गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट। तो गौतम बुद्ध नगर से केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा मौजूदा सांसद। साल 2014 में यहां हुए लोकसभा चुनाव में महेश शर्मा ने यहां 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। उन्हें यहां से 5,99,702 वोट मिले थे, जबकि उनके सामने चुनाव लड़ रहे समाजवादी पार्टी के नरेंद्र भाटी महज 3,19,490 वोट पा सके। लेकिन इस बार गौतम बुद्ध नगर के समीकरण बदले हुए हैं। सूबे में सपा और बसपा एक साथ चुनाव लड़ रही है। यहां से चुनाव लड़ रहे बसपा प्रत्याशी सतबीर नागर को आम आदमी पार्टी का भी समर्थन मिला हुआ है। अगर पिछले चुनाव में इन तीनों दलों के वोटों को जोड़ दें तो संख्या 5,50,085 वोट होती है, जिसका मतलब साफ है कि इस बार गौतम बुद्ध नगर में गठबंधन प्रत्याशी और महेश शर्मा के बीच काफी नजदीकी मुकाबला देखने को मिलेगा। महेश शर्मा के लिए एक चिंता करने वाली बात यह भी है कि इस बार गौतम बुद्ध नगर से कांग्रेस के टिकट पर अरविंद कुमार सिंह लड़ रहे हैं, जो जाति से राजपूत। राजपूतों को भाजपा का परंपरागत वोटर माना जाता है। पिछले चुनाव में भी यहां कांग्रेस ने भाजपा के बागी रमेश चंद्र तोमर को टिकट दिया था, जो मतदान से पहले भाजपा में शामिल हो गए। लेकिन इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी अरविंद कुमार सिंह को राजपूत बाहुल्य गांव में अच्छा समर्थन मिल रहा है, जो वाकई महेश शर्मा की चिंताएं बढ़ाने वाला है। दरअसल गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर 22 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, जिनमें से करीब 16 लाख गांव में रहते हैं। यहां के जातीय समीकरणों की बात करें तो यहां राजपूत जाति के करीब 4 से 4.5 लाख वोटर हैं। गौतम बुद्ध नगर में ब्राह्मण वोटरों की तादाद 4 लाख के आसपास है। गुजर वोटर 3.5 लाख से 4 लाख और मुस्लिम 3.5 लाख बताए जा रहे हैं। वहीं दलित 3 और अन्य वोटर 3 लाख। अब देखना यह होगा कि महेश शर्मा पिछली बार की तरह सभी वोटर्स को साधते हुए फिर से यहां के रण में विजयी होकर आते हैं या फिर विपक्षी दलों की रणनीति में उलझ जाते हैं।